तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AI-based 17 से रिलेटेड, जो भी रिजल्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो गाइस, होप सो सभी की रिजल्ट की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। जिन्होंने भी अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था उन्होंने भी कर दिया होगा, एंड जिनका भी रिज़ल्ट को लेकर ये था कि हमारा जो है पासिंग मार्क्स हमारे नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने भी रीचेकिंग के लिए भी डाल दिया होगा, ठीक है। तो अपना प्रोसीजर देख लीजिए किस तरीके से क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर लॉन टिप्स के नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, वहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे इन केस अगर आप लोग जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेते हो, ऑप्टेन नहीं किए हैं आपने AI-based 17 एग्ज़ाम में, तो क्या ऑप्शन आप लोगों के पास बचा है। यू कुड नॉट मेक इट थ्रू द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन AI-based 17 एग्ज़ाम, यू विल हैव टू टेक द सब्सिक्वेंट AI-based एग्जामिनेशन। अगर बाई चांस अगर आप लोगों ने अपना रीचेकिंग का प्रोसेस भी फॉलो कर लिया, उससे भी आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, तो फिर आप लोगों का लास्ट ऑप्शन यही बचेगा कि AI-based एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। एंड जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने अपना एनरोलमेंट कराया था स्टेट बार काउंसिल के अंदर, वो 2 ईयर्स तक वैलिड रहता है, इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद वो आप लोगों को रिन्यूअल कराना होता है, ठीक है। फर्दर फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो विदिन 2 ईयर्स के अंदर। इसकी कोई भी ऐसी लिमिट नहीं होती है कि आप सिर्फ एक बार ही एग्ज़ाम दे सकते हो, आप कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। दिस विल अलाउ यू टू रिसीव योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली रिसीव करोगे आप लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप नहीं करोगे तो आप लोगों को COP नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को डाउट है कि जिन्होंने नहीं किया है या कर लिया है, सबको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP जो होता है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलता है जो एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, ठीक है। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ रही है जिसके कारण आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, फिर आप लोगों को दोबारा से ही फ़ी पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसी फ़ी के, जो भी आपने पहले फ़ी पे की थी उसी के चलते हुए आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना, नहीं, आप लोगों को फ्रेश जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसी के बेस पे आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो कोई भी ओल्ड पैटर्न आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हो। प्रोसीजर आप लोगों को आने वाले जो भी वीडियोज़ उनमें बता दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स दोबारा से एग्ज़ाम देंगे या जो भी AI-based 18 में अपियर होने वाले हैं उनको बता दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों को स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जिसका भी रिज़ल्ट फ़िलहाल नहीं निकला है तो स्टिल वेट कर लीजिए, या फिर अपना जिनका भी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिन्होंने अपलोड नहीं किया था अपना अपलोड कर लीजिए। आप लोगों का जो भी रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। एंड रीचेकिंग के लिए आपने डाल ही दिया होगा अपना, जो भी उन्होंने बोला था कि 5 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जिन्होंने नहीं डाला है तो प्लीज़ डाल दीजिए, बिकॉज़ इसकी लास्ट डेट भी जल्दी आ जाएगी और फिर आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर रिज़ल्ट को छोड़कर कोई भी डाउट है आप लोगों को AI-based एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।